खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर पूजा चांदना जी। पूजा जी, एमरल्ड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, आप इस काम को कितने समय से कर रही हैं और इसके साथ आप और क्या क्या करती हैं? मुझे इसकी प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 10 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं जी। और पूरा ऑकल्ट साइंस है, एक प्रॉपर वास्ट स्टडी है जी। इसमें हम टैरोट कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, इस तरह की चीजें करते हैं ताकि लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके जी। पूजा जी, अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी की बात करें, तो कैसे लोगों को परेशानी से निजात इसमें मिल सकती है? टैरो कार्ड रीडिंग जो है एक लाइफ प्रिडिक्शन है, इसमें हम डे टू डे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इसके थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइफ प्रिडिक्शन है, जैसे अगर हम कार्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, उनमें सिंबल्स जो है हमसे बात करते हैं, एक तरीके से एक इंडिकेशंस देते हैं, आंसर्स देते हैं, तो टैरो के थ्रू हम लाइफ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और रेकी का जो सवाल उठता है, तो रेकी से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है, आज की डेट में बहुत मान्यता मिल गई है इसको। आज आप देखेंगे काफी जाने पहचाने हॉस्पिटल्स में रेकी के लिए अलग से एक सेंटर बना दिया गया है, क्योंकि रेकी हीलिंग इतनी फास्ट है और इतनी उसमें एक्यूरेसी है कि किसी भी चीज को हम कुछ मिनटों में भी हील कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। तो रेकी आजकल के टाइम में एक बहुत अच्छी पकड़ ले चुकी है हमारी सोसाइटी में। पूजा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आप किसी इंसान के प्रोफाइल को आप देखती हैं और मान लीजिए उनका कुछ ग्रह ऊपर नीचे है, तो कैसे आप उनका उपाय कर सकती हैं? उपाय हर तरह का उपाय है, ये नहीं है कि बहुत मेजर उपाय हैं या बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत माइनर माइनर से उपाय होते हैं जिनको हम खुद अपनी डेली लाइफ में अगर परफॉर्म करते हैं तो उसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का निजात पा सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरा 100% क्योर हो जाता है, बट ये है कि जैसे अगर बारिश आ रही है तो उसमें हम एक छाते का काम कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, बारिश उनके ऊपर ना आए उस तरीके से। पूजा जी, इंसान को एक सुखमय जीवन जीने के लिए किन किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम से बचा रहे? सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारे कर्मास, अगर हम अपने कर्मास को ठीक रखते हैं तो डेफिनेटली हम आगे आने वाला अपना फ्यूचर सेव कर रहे हैं। और सेकेंडली, मैंने देखा है यूजुअली क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास तो उनकी ये कंप्लेंट होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, जो कि हम उसको बोल बोल कर और इलाज कर रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं बोल बोल कर, तो उस चीज को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर अच्छी जो हमें जिंदगी मिली है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस पौधे को उगाएं जो अच्छा है। उस अगर हम यूनिवर्स में कोई चीज दे रहे हैं तो वो हमारे पास डबल में एक लॉ है, वापिस आता है। तो इसी तरह से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे जो यूनिवर्स से आपके पास रिटर्न में पॉजिटिव में डबल होकर आए। पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 10 साल से टैरो कार्ड रीडिंग का कर रही हैं, एक सक्सेसफुली आप काम कर रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ फ्यूचर में आपकी और क्या प्लानिंग है, आप और क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में मेरी प्लानिंग यही है कि इसको और बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सबको नॉलेज दी जाए इस बारे में। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया, कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, आप सिखा भी रही हैं? जी, मैं सिखा रही हूँ। सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जिसमें हम सर्टिफिकेट के साथ पूरे कोर्सेज। क्या आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? हाँ जी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है मेरा। तो इसमें हम पूरा टैरोट, न्यूमरोलॉजी, रेकी, वास्तु सब सिखाते हैं और इंडिविजुअली क्लासेस लेते हैं, सो दैट हर स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सुना जाए और उनको पर्टिकुलर एक अटेंशन दी जाए जी। और इस तरह से हर घर में रेकी जाएगी तो मेरे हिसाब से लोगों को ज्यादा फायदा जी, बिल्कुल बहुत बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए। इसमें आप कितना टाइम का एक आपके कोर्सेज होते हैं? हर कोर्स का एक अलग टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे रेकी का है उसमें काफी सारे लेवल्स होते हैं, टैरोट का है वो 12 डेज के लिए होता है, 12 दिन के जी, न्यूमरोलॉजी है वो 12 डेज के लिए होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज कितना है और उसी हिसाब से हम करते हैं। पूजा जी, एमरल्ड न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।